गाइस फाइनली केदारनाथ पहुंच गया हूँ। कुछ नज़ारा ऐसा है, यहाँ पर बास्केट भी मिलता है कुछ इस तरीके का है, और इसका कुछ प्राइस है। गाइस आप आगे चलते रहोगे ना तो आपको ये घोड़े खच्चर सब मिलेंगे, ऐसा तो रेट बहुत बोलते हो लोग। और 4 किलोमीटर बाकी है, लगभग 2 घंटा। ठंड इतनी कि हाथ पर पूरा अकड़ जा रहे ऐसा। गाइस ये सोनप्रयाग बस स्टॉप है, आप हरिद्वार से जब भी बस पकड़ के आओगे तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पर आने के पहले आपको ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, आपको दिख रहा होगा, आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जिसका रजिस्टर होगा उसको एंट्री मिलेगा। इसके लिए रजिस्टर के लिए यहाँ पर कंपलसरी किया हुआ है, जिसका 2 वैक्सीन हुआ रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन होएगा, दो वैक्सीन नहीं हुआ रहेगा तो आपको आगे यहाँ पर कोविड टेस्ट वो करना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा तो आपको जाने मिलेगा। सेकंड ये आरटीपीसीआर आपका टेस्ट है तो भी आपको जाने मिलेगा। एक वैक्सीन नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं, और आधार कार्ड लगने वाला है, और बिना मास्क से घूमोगे तो आपको फाइन मारा जाएगा। यहाँ पर 500 रुपये फाइन है। यहाँ पर ये थोड़ा आगे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, वहाँ पर कैसा है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया रहेगा तो आपको टोकन देगा, टोकन में कितने लोग उसका नंबर लिखा रहेगा और साइन रहेगा, तो लोग यहाँ पर चेक करते हैं। और आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बैठा है चेक करता है, फिर देन यहाँ से गौरीकुंड के लिए जाने छोड़ते हो लोग। सोनप्रयाग से जो कार जाती है, टेम्पो वगैरह ये जो दिख रही है जाती है, वो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर लेके जाती है, 30 रुपये फेर लेती है, और वो यहाँ पर छूटती है ट्रैकिंग के। यहाँ पर बताऊँ वहाँ पर छूटती है, आगे लेके जाऊँगा आपको। और ट्रैकिंग कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से कुछ लिखा हुआ है 16 किलोमीटर ट्रैकिंग, अभी आपको क्लोजली बता दूंगा मैं। फिर बाद में यहाँ से आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगी, लास्ट 8 बजे तक मिलेगी आपको सोनप्रयाग तक का। यहाँ पर सब चीज़ बहुत महंगे मिलते हैं, सब एक्स्ट्रा बिस्लरी वगैरह स्नैक्स सब लेके आना, डबल रेट सब मिल जाता है। ये ट्रैकिंग है यहाँ से 16 किलोमीटर। भाई साहब आगे चलते रहोगे ना तो आपको ये घोड़े खच्चर सब मिलेंगे, ऐसा तो रेट बहुत बोलते हो लोग, 2500, 2000, 3000 ऐसा बोलते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करने वाले हैं जो करते हैं वो 700 में लेके जाते हैं, 800 में लेके जाते हैं। लास्ट बहुत लोग से पूछा मैंने तो 800 में लेके जा चुके हो लोग। एक अच्छा है, क्या प्राइस इसका? इसका देखे वाइट देखे है, 50 किलो का आने जाने का है 7000। 50 किलो का, 50 किलो का रहेगा जो भी बंदा रहेगा, आना और जाना 7000 रुपया, और उससे कम होता है 6 से 5। कम से 50 किलो का ही है, 20 किलो 10 किलो कुछ नहीं, छोटे बच्चे का वगैरह फिर भी 7000 लोग है। वरना बच्चे का है आने जाने के 2000, बच्चे लोग का, छोटे बच्चे रहते हैं 2000, 4000 ऐसे छोटे बच्चे लोग का। अगर बैग भी रख के भी लेके जा सकते हैं तुम इसके अंदर। आपका नंबर क्या है? नंबर आपका नाम बोलो। नाम कालू है इनका। और मोबाइल नंबर आपका? 81। मोबाइल नंबर 81। इंग्लिश बोलो ना। 7 1 7 1 9 8 1 8 1 7 1 7 1 5 6 5 6 6 8 6 8 3 3 2 3 2 3। कुछ भी रहेगा यहाँ पर, कोई आएगा इनसे जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना। गाइस अभी कुछ 8 किलोमीटर चढ़े है, आधा रास्ता, बहुत हवा टाइट हो गई, 5 किलोमीटर तक हंसते हंसते ऊपर आ गए, 5 किलोमीटर के बाद में फुल टाइट हो गई, ऐसा हो गया है। और ये 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ ऐसा नज़ारा है यार, आना यार, ट्रैक करके आना, कोशिश करना, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, हमसे भी नहीं जम रहा था, हमने भी किया, हमने ट्रैक चालू किया था 12 बजे, अब बज रहे हैं 4:45, 4:45 हो रहे हैं, मतलब 8 किलोमीटर चले हमने कितना, 4.5 घंटे में, 5 घंटे में, 5 घंटे में 8 किलोमीटर चले। और अभी देखो अभी ऊपर जा रहे हैं, कभी तक पहुँचते हैं वो भी बता दूंगा। चलो गाइस आगे मिलते, ऊपर मिलता हूँ, ऊपर ही बताता जो भी आपको सब कुछ। चल ही नहीं सकते, हमारे में ताकत ही नहीं गाइस। और 4 किलोमीटर बाकी है, लगभग 2 घंटा।
ठंड इतनी कि हाथ पैर पूरा अकड़ जा रहे हैं, ऐसा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन 0% माइनस हो जा रहा है यार, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, पता नहीं कितना हो रहा है। आप आओ तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, आप घोड़ी नहीं तो हेलीकॉप्टर से अभी ऐसा ट्रैकिंग करके अगर आपको सच्चाई के साथ आना होगा तो ही आओ, नहीं तो मत आओ। तो कुछ ऐसा है, गाइस फाइनली केदारनाथ पहुंच गया हूँ। कुछ नज़ारा ऐसा है, क्राउड उतना नहीं है लेकिन फिर भी है, यहाँ पर आने तक बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। अभी सब बताता आपको कितना तकलीफ उठाना पड़ा, क्या नहीं उठाना पड़ा करके। गाइस पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर लाइन के लिए डायरेक्ट एंट्री है, कोविड वगैरह टेस्ट कुछ मांगते नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है वगैरह, जितना जा सकते हो। लाइन वगैरह लगाना पड़ता है बस दर्शन के लिए, और कुछ भी नहीं, इतना ही है। वो यहाँ पर फल मस्त एंजॉय कर रहे हैं लोग, जो दिख रहा होगा। ये मेरा दोस्त है प्रीतम, मराठी ब्लॉगर। हाय हेलो फ्रेंड, कैसा तुम? इसका आईडी भी मैं यूट्यूब का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना आप। ब्लॉग तो एक भी बनाया नहीं लेकिन चैनल बना के छोड़ दिया उसने। गाइस यहाँ पर ओरिजिनल रुद्राक्ष भी मिलता है, प्रसाद भी मिलता है। आपको रुद्राक्ष बताता हूँ, इतना ज़्यादा रेट नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। ये जो देख रहा है आप, ये 150 का है, 200 का, 50 का, 100 रुपये का प्रसाद है, मिलता है। टेंपल के जस्ट बाजू में ही है टेंपल, उसके अपोजिट में। यहाँ पर ये बहुत सारी दुकान मिल जाएंगी तुमको, यहाँ पर मिल जाएंगे। सब जगह अलग अलग रेट है, कोई सस्ता दे रहा है कोई महंगा दे रहा है। ये सारे होटल है, मंदिर के बाजू में होटल है, कम से कम रेट उसका 1200 रुपये है 24 घंटे के लिए, ज़्यादा 2700 3000 4000 होता है। जस्ट मंदिर के बाजू में आपको दिखेगा सेंटर मंदिर वहाँ पर। और ये इतना खास नहीं है फिर भी चलेगा, इसमें क्या है। उसका आगे अलावा गवर्नमेंट का जो कैंपस होता है, टेंट होता है, वो लेते हो तो 400 रुपये है 24 घंटे का, बिंदास रह सकते हो आप उसके अंदर। लेकिन यार उधर ठंडी बहुत लगती है यार, ऐसा है। रात में इधर माइनस पे चले जाता है भाई, -1-2 ऐसा। तो कभी भी तुम घर से आओगे तो कैप ग्लोव्स वगैरह अच्छा कंपनी का लेके आना, और जैकेट वगैरह सब लेके आना, वरना ठंड में पूरा सुखड़ जाओगे तुम। एक केदार डॉग कॉटेज है, पर बेड 600 रुपीज़, अच्छा है, सस्ता भी है। और दूसरा कैंपस में लोगे आप तो 400 मिलता है। ओ बहुत बेकार शॉट है, 10 मिनट को जैसा दिखता है, अच्छा खासा बड़ा है, एक बेड का उतना है। हेलीकॉप्टर पिकअप ड्रॉप है, इसका एक्चुअल प्राइस कंफर्म मालूम नहीं पड़ा है, कोई 8200 बोल रहा है, कोई 5500 बोल रहा है, कोई 3500 बोल रहा है, तो उसके लिए पता चल नहीं पाया मुझे। यहाँ पर दे दूंगा मैं, सिंगल है क्या फेर है, डबल है क्या फेर है करके, नीचे से ऊपर आते हैं उसका क्या फेर है, और ऊपर से नीचे जाते हैं क्या फेर है, या फिर दोनों का भाई क्या फेर है इसका, फेर है।